आज आपको ये वीडियो थोड़ा वॉइस ओवर में दिखाई देगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा गोप्रो का माइक का कुछ इश्यू हो गया था कि आवाज़ बीच में ले रहा था, बीच में नहीं ले रहा था, तो जिसकी वजह से ये वॉइस ओवर में चलेगा ये वाला व्लॉग। अब यहाँ पे आपको जो देखने मिल रहा है वो है डे थ्री में मैं अहमदाबाद घूमने निकला था। एक्चुअली वो दिन अब मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं जो काम से मेरे दोस्त के साथ गया था, दोस्त का काम हुआ नहीं, और उसके बाद में वहाँ से हम लोग फिर लास्ट में घूमने के लिए निकले थे। और एक्चुअली डे थ्री में हम लोग का पोपर्टी हो रहा था पूरा दिन, क्योंकि हम लोग जो काम से गया वो काम हुआ नहीं, दोस्त का मीटिंग फेल हो गया। उसके बाद हम लोग गूगल मैप्स के हिसाब से ढूंढने निकले थे, वो कुछ काम हुआ नहीं, फिर हमने वहाँ पर ड्रॉप करके रिटर्न गए, खाना खा के सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा अहमदाबाद से अजमेर का राइड चालू हुआ। अब आप जो देखोगे उसमें थोड़ा ग्लिम्स दिखाता हूँ डे थ्री का, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट चालू करता हूँ अहमदाबाद टू अजमेर। चलो चलते। ये अभी है हम रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क अहमदाबाद में, अभी इसके बाजू में ही है मोटर स्पोर्ट वाला जगह, लॉक कर रहे थे। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये लगा, अगर आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देखो तो आपको एक बड़ा एलईडी पैनल दिखेगा, इस पर क्या दिखा रहा है, टू व्हीलर 1100 पार्किंग अवेलेबल है, जिसमें से 909 गाड़ी अभी पार्क्ड है, और कार को 350 स्लॉट्स है। अच्छा, बीच में चेंज होता है, अवेलेबल स्लॉट्स है यहाँ पे। अच्छा, बिलो एस्टैब्लिश्ड पार्किंग, एलिस ब्रिज पार्किंग, अच्छा मल्टीपल पार्किंग। अबे एक एक पार्किंग गेट का बता रहा है वो, पार्किंग रेट, एक एक पार्किंग गेट। एसटीपी हॉस्पिटल का पार्किंग, मतलब हर जगह का पार्किंग, किधर किधर पार्किंग अवेलेबल है वो इधर से ही आपको देखो और आप जाओ। अच्छा आइडिया है। यहाँ पे हमारा कट गया है, क्या था जगह हमारा यहाँ पे कट गया है लिटरली। हम लोगों ने गूगल पे देखा कि यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स है, बहुत स्टाइल में आए। यहाँ पे इवेंट चालू है, फ्लावर शो और क्या शो चालू है रे, काइट, हाँ, और काइट फेस्टिवल चालू है। और गूगल के हिसाब से जो गेट पे वाटर स्पोर्ट्स है उधर कुछ भी नहीं है। अभी ये गूगल सही है या यहाँ का लोग सही है पता नहीं इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ से नहीं है आदमी की कट जाए तो कैसा भागता है। देखो, अब तक बोल रहा था मैं व्लॉग में आएगा, जब व्लॉग करने का टाइम आया तो गायब 6:45 हो गया है, तो जाके अभी ट्राई करेंगे, मार्केट अगर खुल गया रहेगा तो कुछ खा लेंगे जल्दी और निकलना है। इसको सुबह 5 बजे का फ्लाइट है, तो इसको भी करीब 3 बजे निकलना पड़ेगा, और मेरे को फ्लाइट नहीं है, अपना हेलीकॉप्टर चलाना है, तो 5:30 को निकल जाएगा दिल्ली की तरफ, और कल का सवारी शायद मेरा उदयपुर तक होगा, नहीं अगर स्ट्रेच खींच पाया तो जयपुर तक जाऊंगा। साल पुराना बिल्डिंग है वो, उसके अंदर है ना रूम्स भी है। ये है आगाशे होटल, यहाँ पे सबसे महंगा थाली है बोला जाता है। मैं कल रिव्यू कर रहा था इसी इस पर, ऑनलाइन में होटल सर्च कर रहा था तो मेरे को दिखाई दिया फेमस होटल में, और यहाँ पे कुछ विंटेज रूम्स भी है अवेलेबल है। रीडिंग है 3130, ये अहमदाबाद से चालू कर रहा हूँ राइड दिल्ली दरवाज़ा। अब जा रहा हूँ, आज का डेस्टिनेशन अजमेर होगा, जो करीब करीब 545 किलोमीटर है। इंस्टा पे अगर आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि ब्लॉग एडिट करके डाल।
क्या करें। हेलो बिल दे दो भाई। बोलते बोलते शायद राजस्थान पहुंच गया है। कौन सा जगह है भी नहीं समझ रहा है। अभी पुलिस कौन सा है वो देखेगा तो मालूम पड़ेगा। शायद राजस्थान पहुंच गया है। गुजराती है, गुजराती में लिखा है मतलब गुजराती है। टोटल 358 किलोमीटर राइड हो गया आज का। अभी और 186 किलोमीटर जाना है। 536 किलोमीटर तक पहुंच गया आज।
सर एटीएम किधर है पास में? पास में एटीएम ट्रांसपोर्ट नगर में है सर। ये हाईवे पे नहीं है क्या? हाईवे पे तो ये कुड़िया रहेगी, ये के सामने है। मतलब ये रोड पे ही है? ये कुड़िया आ रही है। हाँ ये तो छोड़ देना, अगली कुड़िया है ना। हाँ उसके नीचे से जाना। ओके मतलब सेकंड वाले ब्रिज के नीचे से। हाँ ये तो ट्रांसपोर्ट लग रहा है, मतलब मेन रोड पे ही है, थोड़ा चलेगा। चलेगा, थैंक यू थैंक यू। Drive so long continuously. It's freezing cold. Bye. Milenge. Stay connected on Insta. We will try to get. If you have any change of plan, get down to Delhi. Till 18th I am in Delhi. Till 18th I am in Delhi. Sure. Chalo bhai. Take care. Drive safe. Sure, sure. Yeah, I will ping you on Insta. Share your number also. Sure, sure. Aap logo ne thoda der pehle vlog mein मेरे साथ एक BMW 310 था जो मैं चाय पीने के लिए रुका था 6:30 के रेंज में, वो बंदा मिला मेरे को। उसके बाद उससे बातचीत किया, वो बंदा वो भी मेरे जैसे ही राइड पे निकला है सोलो कोई, लेकिन उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, वो ऐसे ही फ़िलहाल पंजाब तक जा रहा है। उसके बाद पंजाब जाने के बाद उसका मूड जहाँ पर होगा वहाँ पर निकल जाएगा। 10 दिन के लिए राइड पर निकला है वो, 10-15 दिन के लिए। BMW 310 लेके घूम रहा था, मस्त चला रहा था। ठंडी की वजह से आखिर में वो
आराम से गाड़ी क्रूज़ किया और फिर हम लोग 146 किलोमीटर सफ़र बाकी था, जिसमें रफली 110 किलोमीटर वो मेरे साथ ड्राइव किया। बहुत मस्त ड्राइव हुआ और एकदम रिलैक्स था, और साथ में कोई आ गया तो बहुत मज़ा आ गया। और हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्ट हो गए थे और बातचीत करते करते हम लोग ड्राइव किया। यहाँ पे करीब 8:45 को मैं अजमेर पहुँच गया था होटल के अंदर। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो एक फुटेज था वो कल के व्लॉग में आपको मालूम पड़ेगा, मैंने गलती से कैमरा का वीडियो डिलीट कर दिया था, तो वो एक गड़बड़ हो गया था, तो जिसकी वजह से होटल का फुटेज मेरे पास नहीं है। और मैंने फिर DSLR पे शूट नहीं किया होटल में एक क्लोजिंग वीडियो। जो भी है, यहाँ पे ये day 4 वीडियो एंड होता है। पता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि अभी रोड दिखाना था तो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। और कनेक्टेड रहिए day 5 अजमेर टू दिल्ली, देखिए, कनेक्टेड रहिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे कुछ ड्रोन शॉट्स भी है। सो यूट्यूब के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन 1 महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।